नमस्कार, मैं हूं पीयूष अमर, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, असाद कालिया, जी हां, अतीक अहमद का छठा बेटा। आप सभी को पता होगा कि अतीक अहमद के सिर्फ 5 बेटे हैं, और मैं क्या बोल रहा हूं कि अतीक अहमद का छठा बेटा। तो आपको भी ये खबर थोड़ी सी चौंकाने वाली लग रही होगी, क्योंकि अगर बात की जाए अतीक अहमद की, तो उसके 5 बेटे हैं, एक बेटा मारा गया है, 2 बेटे जेल में है, और बाकी के 2 जो है वो बालक सुधार गृह होते हैं उसमें है दोनों, क्योंकि दोनों नाबालिग हैं। अब देखिए कि अतीक अहमद का जो खबर आ रही है वो आ रही है कि अतीक अहमद का छठा बेटा जो है वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। खबर क्या है? खबर ये है कि देखिए, शाइस्ता परवीन का राइट हैंड और अतीक अहमद का देखिए छठा बेटा कहलाने वाला, यानी कि जो शाइस्ता परवीन है अपने राइट हैंड असाद कालिया को अपना बेटा मानती थी, अपना छठा बेटा मानती थी, वो जो है वो अब पुलिस के, यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और लगातार देखिए पकड़ धकड़ चल रही है, जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं, जो गुंडे हैं, उनके पर देखिए पकड़ चल रही है, और काफी बड़ी कामयाबी जो है वो यूपी पुलिस को देखिए अब लगी है, और इससे शाइस्ता परवीन की लोकेशन जो है वो अब मिल गई है यूपी पुलिस को। क्या मिल गई है? देखिए, शाइस्ता परवीन की लोकेशन बताया जा रहा है कि प्रयागराज और कौशाम्बी के बॉर्डर पर हो सकती है, बॉर्डर के एरियाज में जो गांव पड़ते हैं उनमें से किसी एक में शाइस्ता परवीन देखिए छुपी थी। और ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है? ये इन्फॉर्मेशन शाइस्ता परवीन के राइट हैंड और उसके छठे बेटा असाद कालिया ने दी है। ये खबर देखिए हमारे पास आ रही है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार शाइस्ता परवीन जो है वो कब तक गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि शाइस्ता परवीन के ऊपर देखिए इस वक्त 50,000 रुपए का इनाम है, जो कि पहले 25,000 रुपए था। अतीक अहमद की मृत्यु के बाद देखिए वो इनाम बढ़ा दिया गया है, और योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी गई है, क्योंकि शाइस्ता परवीन जो है वो अपने पति का बदला जो है वो ले सकती है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कब पकड़ी जाएगी, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार शाइस्ता परवीन का कनेक्शन और जिन्होंने अतीक अहमद को मारा है उनका क्या कनेक्शन हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।